आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? इसलिए मेरा दिल बार बार बेचैन हो रहा था तुम्हारे लिए। काश मैं वक्त की लगाम को पीछे ले जा सकूं। तुम पर किसी ने उंगली भी उठाई ना, उसका हाथ काट दूंगा मैं। कभी कभी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता मुझे। दुआ का कुछ पता चला? आई थी घर? जो आई थी घर, बहुत रो रही थी वो, लेकिन अब्बा ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। दुआ, कैसे हो? वही दुआ जिसे तुमने अपने गंदे इरादों के लिए उसकी कीमत लगाकर मोहब्बत के नाम पे लूट कर से इस कड़े में फेंक दिया। वो वहाँ कैसे पहुंची? अभी भी किसी को कुछ पता नहीं है। ये खबर भी नहीं मिल सकी कि वो किसके साथ गई थी। कुछ कहानियों की किस्मत इतनी अजियत क्यों होती है? इन्हें इल्जाम मत दे। दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। अरे मैं तुझे कहता रहा बेटियां मत पैदा कर। अम्मा ने दुआ को अंदर नहीं बुलाया, कोशिश नहीं की उन्होंने। सब तेरा कसूर है। कोशिश की थी अम्मा ने। आज बेटा होता ना तो ये दिन देखना नसीब होता मुझे। अब्बा ने अम्मा को धमकी देती थी कि अगर बच्चों अंदर आई तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। आप लोगों ने हमारी शराफत का इतना नाजायज फायदा उठाया, इतना बड़ा फ्रॉड किया आप लोगों ने हमारे। अरे कोई फ्रॉड नहीं किया भाई, कि अपनी बदनाम जमाना बेटी हमारे घर में ब्याह दे। Assalamualaikum viewers, drama serial जाने सार के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि दुआ दिल ही दिल में ये सोच रही होगी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि उससे अनजाने में ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद वो ये पक्का इरादा कर लेगी कि वो इस तरह हार नहीं मानेगी, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाएगी और उसके बाद वो फराज से अपने किए का बदला जरूर लेगी। व्यूअर, इसके बाद दुआ अपनी पहचान बदल लेगी और वो ये कहेगी कि जो जिस दुआ की बदनामी हुई थी वो मर गई है, अब से वो एक नई जिंदगी शुरू करेगी। व्यूअर्स, आगे आप देखेंगे कि दुआ मॉडलिंग और डांसिंग शुरू कर देगी और मुख्तलिफ पार्टीज अटेंड करेगी और अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रही होगी। दुआ अपना गेटअप, अपना लाइफस्टाइल, यहां तक के अपना नाम भी चेंज कर देगी और वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी और इस तरह दुआ एक स्टार की सूरत में लोगों के सामने आएगी। व्यूअर्स, क्या दुआ अपने किए का बदला लेने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।